इंडिया का पहला ओपन एयर बीट जिम। अभिनेता साहिल खान ने लोगों की फिटनेस को ध्यान में रखते हुए इंडिया का पहला ओपन एयर बीट जिम का उद्घाटन 12 फरवरी गोवा के बागा बीच पर किया। इस दौरान साहिल खान, मलिक शिवानी, साहिस्ता खान, हितेश पटेल, मिंटू गुप्ता और फनीस मुंडीगुंडा ने अपनी शिरकत रखी। एक्टर साहिल खान ने स्टाइल, एक्सक्यूज मी, ये है जिंदगी और अलादीन जैसे फिल्मों में काम किया है। जिम में लोगों की फिटनेस, हेल्थ और न्यूट्रिशन को ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही लोगों के लिए स्पा और कैफे का भी इंतजाम किया गया है। गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है जहां लोगों का देश विदेश से आवागमन होता है, जिसे ध्यान में रखकर एक दिन का पैकेज भी तैयार किया गया है। आइए जानते हैं साहिल खान ने लोगों की फिटनेस के लिए क्या जानकारी दी है। देखिए, साइंस ये कहती है कि आप अगर डिप्रेशन में हो, आप वॉक करके आएंगे ना सिर्फ ओपन एयर में, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, ये साइंस कहती है। आप सोचिए, इंडोर में वर्कआउट कर रहे हैं और आउटडोर में कितना स्ट्रेस कम हो सकता है। है बागा बीच पर गोवा में, जहां एक्टर साहिल खान ने इंडिया में पहली बार लॉन्च किया है ओपन एयर बीच जिम, जो कि बागा बीच के अंदर मौजूद है। आप, मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वो बागा बीच है और आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। उनका कॉन्सेप्ट है कि लोग यहाँ पे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, यहाँ पे वर्कआउट के लिए भी आए, और ये उनका कॉन्सेप्ट है कि लोग न्यूट्रिशंस और सेहत के लिए ऊपर उन्होंने स्पा एंड न्यूट्रिशंस के सारे जूसेस वगैरह या कैफ़े और भी कैफ़ेज भी ओपन किए हैं। जैसे इंडिया का पहला जिम है जो बीच में खुला, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट आपके मन में आ रहा है? मैंने बचपन में काफ़ी तस्वीरें आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की देखी थी, जो बीच पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो लोग छोटे से जिम में हम जाते थे और वहाँ उनकी तस्वीर होती थी, खुले बीच के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं था उस वक्त, जो जिम मिला हमने उसमें एक्सरसाइज किया। उसके बाद बड़े हुए ट्रैवल किया, दूसरे देश में गए, देखा हर देश में ऐसा एक्सरसाइज की फैसिलिटी है। और जैसे कि आप यहाँ पे न्यूट्रिशंस के बहुत सारे साधन यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो आप ये मीन्स इसका पैकेज वगैरह एक में ही रहेगा या फिर ये अलग अलग के कॉस्टली? ये सब सेपरेट है। जी जी। बीच के ऊपर ही क्यों ऐसा आपने सब क्यों सोचा कि बीच पे ही ऐसा? दुनिया में बीच से ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है? सन, सी एंड सैंड। लेकिन लोग मोस्टली एंटरटेनमेंट या अपने एंजॉय के लिए यहाँ बीच पे आते हैं, लेकिन वर्कआउट के लिए देखा जाएगा तो मोस्टली वर्कआउट ऐसा हम सोचते हैं कि मोस्टली लोग इसलिए आते हैं क्योंकि भारत में अब तक ये जिम नहीं था। लेकिन आप अगर गूगल करें, आप देखें दुनिया में हर कंट्री में ऑलमोस्ट बीच के ऊपर जिम है, सिर्फ इंडिया में नहीं था। तो हमको ऐसा लगता है कि सब मज़ा ही करने आते हैं। आप देखेंगे जब थोड़े दिन होगा तो जो मज़ा करने आते हैं वो यहाँ सज़ा भी पाएंगे। तो यहाँ पे तो लोग यहाँ पे घूमने के टूरिस्ट के हिसाब से आते हैं, तो उनके लिए कैसे पैकेज रहेगा? मीन्स उनके लिए कुछ नहीं, एक दिन का पैसा दे सकते हैं, वो वर्कआउट कर सकते हैं। अगर मेरे दोस्त हैं तो शायद फ्री हो। कॉस्टली, काफ़ी कॉस्टली है, कॉमन मैन के लिए अफोर्ड करने के लिए नहीं होगा। नहीं बिल्कुल, जो बाकी जिम में है वही है, सेम है फीस। जो नॉर्मल जिम में जो गोवा का स्टैंडर्ड है वही है, सेम है। कैमरामैन जिलानी के साथ मुमताज जवेरी, इंडिया लाइव न्यूज, गोवा। दिल्ली में डीटीसी बसों पर पथराव। दिल्ली स्थित मायापुरी इलाके में उपद्रवी ने डीटीसी बसों पर पथरावबाजी की है, जिसकी वजह मजदूर की मौत बताई जा रही है। साथ ही ये जानकारी सामने आई है कि 17 डीटीसी बसों पर और प्लास्टर बसों पर तोड़फोड़ की गई है। इस हादसे में बस ड्राइवर सहित कई यात्री जख्मी हुए हैं। मुंबई में आज ऑटो हड़ताल। अपनी मांगों को लेकर मुंबई ऑटो ड्राइवर्स रविवार आधी रात से ही हड़ताल पर हैं। मुंबई ऑटो रिक्शा मेन यूनियन ने एक दिन का हड़ताल जारी किया है, जिसकी वजह से मुंबई वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली से लगे फरीदाबाद का हादसा कैद हुआ सीसीटीवी में। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में
कार एक्सीडेंट का हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें एक प्रॉपर्टी डीलर पर कार चढ़ाकर जान लेने का मामला सामने आया है। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त हुआ कि पीड़ित उछलकर काफी दूर जा गिरा। पुलिस आरोपी की छानबीन में जुटी है। फिल्म रहीश की शूटिंग पर पथराबाजी। अहमदाबाद में फिल्म रहीश की शूटिंग कर रहे शाहरुख खान के कार पर कुछ लोगों ने पथराबाजी की। इस दौरान शाहरुख खान हाय हाय के नारे भी लगाए गए। साथ ही कुछ दिनों पहले गुजरात में भी शाहरुख खान का विरोध किया गया था। जानकी स्वर्णकार, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई।